हिमाचल में हो रहे उपचुनावों में चुनावी प्रचार में दोनों दलों बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने जहां चारों सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही, वहीं पर बीजेपी पर चुनावों को प्रभावित करने के आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में चारों उपचुनाव सीटों पर कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का काफी समर्थन कांग्रेस को मिला है और बीजेपी अपनी हार देखकर बौखला गई है और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब इन चुनावों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई जगह पर शराब बांटी जा रही है और अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। मंत्री लोगों को, ठेकेदारों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के एक मंत्री द्वारा जुब्बल कोटखाई में ठेकेदारों को धमका रहे हैं। यही नहीं, राठौर ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे लेकिन वे शिमला में है ही नहीं और वह किन्नौर के दौरे पर है, जबकि ऐसे समय में उन्हें शिमला में होना चाहिए था। मैंने हर जगह पे दौरे किए हैं, मंडी, फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई। जो मैंने कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा है, जोश देखा है और आम जनों का रुझान कांग्रेस पार्टी के प्रति देखा है, इससे ये सुनिश्चित होता है कि कांग्रेस पार्टी इन चारों सीटों पे जो है अपनी विजय दर्ज करने वाली है। षड्यंत्र तो इनका सामने आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आ रहा है। अगर इनमें दम है ना, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में दम है, इनके पास कोई सबूत है, लेके आए सामने। इस तरह से पीठ के पीछे वार करके ये चुनाव जीतने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हार रही है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इस चुनाव में शालीनता छोड़ दी, हमारी जो मंडी की प्रत्याशी हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह, उन पे इस तरह की बातें, इस तरह की छिटाकशी की जो हमारे देश की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। दूसरा, ये गाली गलौच और झगड़े पे उतर आए, और हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम बरता है और अधिकारियों की पिटाई हो रही है, और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने बहुत सारी जगह पे शराब की पेटियां पकड़ी है। रामपुर तो केवल एक उदाहरण है, ये काम तो पुलिस को करना चाहिए, चुनाव आयोग को सख्ती करनी चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आ रहा। अब पूरी इनकी मंशा है कि अंतिम समय जो बचा है ये किसी ढंग से भी इन चुनावों को प्रभावित करने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। पैसा बांटा जा रहा है और आगे भी हमें संभावना है कि थैलियों के मुंह जो है खोल दिए जाएंगे और शराब, नशा, जो भी ये सरकार कर सकती है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वो करेगी। हालांकि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे सजग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि सरकार जो है जनादेश को बदलने के लिए पूरा प्रयास करेगी। मेरा तो चुनाव आयोग से भी यही आग्रह है। आज मैं चुनाव जो हमारे यहाँ अफसर है, जो प्रमुख है, उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो किन्नौर के दौरे पे हैं। और अंतिम समय जब इतना महत्वपूर्ण अभी चुनाव होने जा रहा है, उन्हें यहाँ रहना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं कहा गया वो किन्नौर गए। अब किन्नौर में जाने की तो कोई जरूरत नहीं थी, आज तो हमें उनसे मिलना था, उनसे हमें बात करनी थी, लेकिन अभी वो आज यहाँ नहीं है। कल यहाँ होंगे तो मैं निश्चित तौर पर उनसे जो है बात करूंगा, क्योंकि हमें संदेह है कि कई जगह पे जो है मिलीभगत से जो है ये बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, इस बात का भी हमें अंदेशा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर हालत में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इन चुनाव को जीतना चाहेंगे।